पप्पू यादव ने श्री ब्रज किशोर यादव जी को इस जिला के लिए नियुक्त किया है कि आपको किसी इस जिला में मिथिलांचल में किसी तरह की परेशानी हो। किशोर यादव जिंदाबाद, मेरे ब्रज किशोर यादव जिंदाबाद। किस पार्टी से नॉमिनेशन किया है? मैं जन अधिकार पार्टी से नॉमिनेशन किया। आपका एजेंडा क्या होगा सर? मेरा एजेंडा है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो काम मैं करूंगा खजौली विधानसभा में। जिस तरह से आम जनताओं के लिए जो एक वोट से लोग पटना जाके आम जनता के हिफाजत के लिए, आम आवाम के हिफाजत के लिए उन्हें आवास मिलता है, लेकिन खजौली की जनता को आज तक जो आवास से वंचित किया गया, मैं जीतूंगा तो सबसे पहले खजौली के लिए, आम जनताओं के लिए मैं सेवा आश्रम चालू करूंगा, जिसमें आम गरीब को मैं पटना में रहकर खाना भी खिलाऊंगा, रहने का भी व्यवस्था करूंगा और इलाज भी कराऊंगा। सर बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है, और शिक्षित बेरोजगार सड़क पर भटक रहे हैं, आप जीतेंगे तो उनके लिए क्या करेंगे? मैं पहले भी काम किया था, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, जयनगर महोत्सव के माध्यम से मैंने बहुत बेरोजगारों को, हमारी टीम ने रोजगार दिया था। और जहाँ तक बात है, हमारी सरकार अगर बनती है या किसी रूप में उसमें रहती है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर्ट में एफिडेविट बना के दिया है, जिसमें अगर 3 साल के कार्यकाल में अगर कार्य को पूर्ण नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आज तक लोगों ने सिर्फ मैनोफेस्टो जारी करता था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है जिसमें सारी बात लिखी हुई है, हम बेरोजगार को रोजगार कैसे देंगे और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। सर आपकी क्या भूमिका होगी इसमें? मेरी भूमिका होगी, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं चाहूँगा कि इस इलाके में जो जिस तरह से देवधा में आपने सुना होगा, बीच में मेडिकल कॉलेज की चर्चा हुई थी, मेडिकल कॉलेज खत्म हो गया, अगर वह होगा कहीं तो मैं वहां मेडिकल कॉलेज स्थापना करने का प्रयास करूंगा, उसकी वस्तु स्थिति क्या है यह जानकारी मुझे मिलेगा। थैंक यू सर। सूचना भी नहीं देते हैं और किसी के माध्यम से उन तक बात पहुंचती है तो आपके लिए तत्पर रहते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, इनके जीवन की वाणी हो गई है ये। आपको समझना होगा कि खजौली विधानसभा का विधायक कैसा चुनना है। आप और हम सब ने देखा है, हर पार्टी को देखा है, हर कैंडिडेट को देखा है, एक बार इनको मौका देना चाहिए। जिनको इनका परिचय लेना है, बैरा गांव में बैरा पंचायत के मुखिया के रूप में इन्होंने उस गांव के उस पंचायत के लिए क्या किया है, ये धरातल पर जाकर पता कर लें। अभी बड़े बड़े पूंजीपाती वाले लोग जो बपौती समझते थे विधायकी को, वो परेशान है कि सत्ता हमारे हाथ से निकल रही है। आप बताइए कि गरीब के बेटा का अधिकार नहीं है एक व्यक्ति विशेष। तो जैसे हमारे वर्ग के लोकप्रिय नेता हैं, विरोधी परेशान हैं, अनर्गल बात कर रहे हैं, आज का वहां के कुछ हमारे रिश्तेदार वगैरह मिले श्याम चौक के पास, उन्होंने कहा कि कुछ लोग भावी विधायक के प्रति प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि सच्चाई को दबाने के लिए आप पूरा अपना तंत्र लगा दें। ब्रजकिशोर यादव ऐसे मसीहा हैं, ऐसे शख्सियत हैं, तुम बेईमान पे एक ही नाम काफी है इस जिला के वाहिद नेता। हमको कहीं ना कहीं भापिए, देखिए कि 10-15 साल से इसने जो शासन किया है, आपके बच्चे की जिम्मेदारी बनती है, हमारे विधायक की बनती है। विधायक जी, उस समाज के लोग हम लोग को प्रेरणा देकर पूरे जिला में काम करने का काम किया था। अगर आप महिला सुरक्षा चाहते हैं तो पप्पू भैया के साथ आइए और ब्रजकिशोर भैया जी को कैंची छाप पर बटन दबाइए, ताकि हमारे जो जाप की कार्यकर्ता है 24 घंटा